आउ किछि घंटा परे बात्या या सुरतरा प्रभाव देखिबा को मिलिबो तेनु आमे वर्तमान अछु जो नीलगिरी रो अयोध्यार जो अच्छी सन नदी जो प्रवाहित होती से सन नदी देखा चाहिए जोटा कि बात्या क्षतिग्रस्त अंचल भाव परिगणित हो प्रशासन पक्ष से जो नदी कूलवर्ती गाँव गुड़िक जो से प्रशासन पक्ष सचेतन कर कच्चा घर और जो पक्का कुटा घर जो अच्छा से स्थानातरित कर जो बात्या आश्रयस्थल निर्माण कराई देखापी चाहिए जो नदी अच्छी से सन नदी आम कूल ही अवस्थित अच्छू जो गाँटे अच्छी जोणकली गाँ से किसी आम स्थानीय सरपंच पंच समित सभ्य किसी समाजसेवी किसी अच्छा लोक स्थानीय लोक अच्छा से लोक जो बुझाऊँगी कच्चा घर से स्थानांतरित करो तो किसी लोक से कथा राजी होना आम सीधा सड़क सहित कथा आम सहित सरपंच अच्छा जो कौन कहे केमी लोक बुझाऊँ बता जाऊना कौन पर प्रॉब्लम रोचर घर द्वार गाई गोर छेली ये सब रही जीव तेनाली छाड़ी जापर आमे तो पलू से बचे जो लोक मैंने कौन व्यवस्था सब कर खाइबार व्यवस्था रही रंधा खाद्य दिखाऊँ शुखला खाद्य दिखाऊँ जेन लिटर लगी मास्क व्यवस्था होती सानिटाइजर होती एमती सब व्यवस्था नदी कूल गाँटा नदी कूल गाँटा जो सरकार पक्ष कहुई जो कच्चा घर सब स्थानातर लोक मैं सचेतन कर सचेतन करते कि लोक तो मानु ना से चाहूँ जो आम घर पाखे ही गोटे हूँ आश्रयस्थल हूँ ये चाहूँ तो देखुते शुणुते सरपंच जो सी उद्यम जारी रखिंट जो लोक मुझासुझा करें कि सुरक्षित स्थान को नहीं मोहस किसी लोक समाजसेवी अच्छा स्थानीय समित सभ्य अच्छा कथा केमी लोक मानते कर बर्तमान से आम जो गाड़ी गाड़ी मध्यम लोक मानक नहीं जाऊ बर्तमान झुणकुली गाँव से लोक मैंने बुझुना से मैंने कहते आम गोर छेली अच्छी आम छाड़ी आम कम तो जो लोक मैंने राजी होना से मो सहित अच्छा मुझे सहित सीधा सीधा कथी जो कौन से घर द्वारा छाड़ी जाए सरकार सरकार तो कहते हैं कच्चा घर विपद अच्छी बनिया बात्या आसूची कौन कहीं जाऊना कौन पाई छाड़ी आम जाऊना मानने आमर हूँ आश्रय था गोटे जिनस ना आम कमी जीव आम अयोध्या जीव अयोध्या गले आम जी खाद्यटा आइब गवर्नमेंट रू से खाद्यटा किए खाऊ अयोध्या वाला खाऊँच आम तो निजे खाई पार ना आम अढ़ेश डाली आसचु अढ़ेश चाउल आसचु आम से पाने कौन करवा आम अयोध्या जी सब किसी लोक अच्छा जो कौन आप राज्य होना कहीं आप देखते कौन कह सर आप तो कही सही कथा गुरुछेली कुकड़ा माकड़ा रहा गाँव रजोध्या गाँ 2 किलोमीटर रही आम जुणकुली पंचायत अयोध्या पंचायत जुणकुली गाँव बोली अच्छे गोटे बनिया अंचल बोली किसी ना अयोध्या गाँव गला भितर जदि 500 250 खाद्य आस 200 ग्राम सी खाऊँच 300 ग्राम आप आम तक दूसरी लाभ कौन आम चाहिए जीवन बचापी कौन सुविधा दौरान सरकार आम गाँव में किसी ना ना आम गाँव स्कूल घर अच्छी बंचा अंचल पर तो किसी बात्या घर ना स्कूल घर टा तो जहाँ देखें सेटा तो किसी लोक रही है से आप सुना किसी तो आम सहित अच्छा जो देखुले लोक मानक क्षोभ शुणुते से कहते जो गाँव में से गाँव में ही बात आश्रयस्थल खोल जा सब सुविधा जगह दिया कहीं से गाँव रू छाड़ी जाऊँ जगह जो जनजीवन अच्छी कौन हजार चोरी होबार आशंका अच्छी मो सहित मुझे सीधा साल देखेबी आम स्थानीय अंचल जन समाजसेवी अच्छा जो कि भिन्नक्षम लोक सी केमी निज ये प्रचार कर लोक सचेतन कराऊँच माइक निजे डाकवाजी जंत्र माइक आलाउंस कर लोक मेमी कर आज्ञा सर लोकों सेवाई लोक मैंने बचापी कमी लोक पहुँचवा स्कूल घर में पहुँचवा से सुरक्षा रखा मनीष बचिले सब जिन सुरक्षा हो सचेतन कर लोक आगे गाँ गाँ बुली या कर प्रशासन अनुरोध गाँ लोक डिमांड रही आमर गोटे बास आश्रयस्थल यही गाँव में हो हाँ जुणुकुले सी हो प्रत्येक गाँव में समस्ते चाहूँ तेणु प्रशासन से क्या बुझे ये कर मोर काम है ये लोक सचेतन करवा गोटे मनीष सेवा दवा मनीष जन्म हो मनीषपाई सेवा दवा यही जहाँ 500 टाँ भत्ता तार दे लोक सेवा कैं लोक रुहे समस्त मिसा और समस्त हसिक जीवन काटा यह मोर लक्ष्य आज किसी लक्ष्य नहीं दर्शक शुणा कमी आप प्रचार कर हाँ आया आज्ञा भाई मान को अनुरोध कराऊ भाई मैंने आश्रय स्थल को पलि आसतु
ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କଚା ଘର, ଟାଇଲ ଘର, ଆଦ୍ରେଷ୍ଟ ଘର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାସ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଇଛି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଇଏ କମେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କମେ ସରକାରଙ୍କ ବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଟା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ସେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କଚା ଘରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟକୁ ନିଆଯିବ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି କିଛି କେମିତି କହିବେ। ଏଇଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଘର ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛୁ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କଚା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ବି ରଖିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଏବେ ତ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବି ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇକି ଉଠାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳକୁ ରଖାଯିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିବା ଜୁଣକୋଇଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉ ବା ଆପଣ କରଞ୍ଜିଆ କାଠପାଳର ଯେଉଁ ସନ ନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।